मैंने आज तक जिंदगी अच्छा में नहीं, मैंने फेशियल पहले ना, कराया तुम था क्या कभी? करती हो? अच्छा मैं बहुत लेजी हूँ, और मेरे पास ये ऐसे तरह के, यू सीन माई मेकअप ना, जो मैं एक आध दफा शो पे ला चुकी हूँ, मेरे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होते. आई गो फॉर चीप हमारे जो ऑप्शन होते हैं. तो अगर वैसे तो मैं इतना बॉदर नहीं करती कि फेस ग्लो ही होना चाहिए, वैसलीन लगाई वो वैसे ही ग्लो आ जाता है, हाँ, वही ड्राई ड्राई है, है ना. बहुत ड्राई स्किन है, बस मैं बहुत मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. लेकिन अगर कभी मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं अपने आप को पैम्पर करूँ, थोड़ा सा अपना वो स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, तो मेरे जो सबसे क्विकेस्ट है और जो मुझे मेरे लिए बहुत वर्क करता है, बेसन. हाँ. और बेसन को मैं लेकर डिजोल्व करती हूँ, ये तो पाउडर मिल्क है, लेकिन पाउडर नहीं, फुल फैट मिल्क जो होता है ना, फुल क्रीम वाला जो मिल्क होता है, उसमें थोड़ा सा पेस्ट बना के और वो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ. बेसन ड्राई पैक बन जाता है वो विद मिल्क, फुल फैट मिल्क, इट हैज अ लॉट ऑफ क्रीम. तो बेसन बेसिकली जो आपके पोर्स में जो डर्ट वगैरह होती है, मुझे लगता है कि उसे वो क्लीन कर देता है. मुल्तानी मिट्टी इज टू ड्राई फॉर मी, बेसन इज नॉट. और बेसन से थोड़ा सा ग्लो भी आता है मुझे लगता है ज्यादा मेरे फेस पे. और वो जो फुल फैट क्रीम मिल्क होता है, पिंपल्स वाले ही कर सकते हैं कि नहीं? यार फुल फैट क्रीम बेसन तो डेफिनेटली कर सकते हैं पानी के साथ, लेकिन वो आप इवन मिल्क दूध मिल्क का आई डोंट नो, क्योंकि वो इतना सा तो क्वांटिटी में डालना है उसमें. और मैं थोड़ा सा लिक्विड ही बनाती हूँ, मैं ज्यादा ड्राई नहीं करती. मैं लिक्विड ही बनाती हूँ ताकि मिल्क का भी जो क्रीम वाला जो इफेक्ट है ना, वो मेरी स्किन के लिए तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. तो उसको जब मैं वॉश ऑफ करती हूँ ना, आई एम नॉट जोकिंग निदा, मेरी स्किन ऐसी ग्लो कर रही होती है जैसे कि मैंने पता नहीं क्या लगाया हुआ अपने फेस पे. तो इट फील्स रियली फ्रेश ऑल्सो, सो दैट वर्क्स फॉर मी. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.